हौसलों से भरती है ऊंची उड़ान, न शिकायत और ना कोई थकान। महिलाओं में निहित अदम्य साहस ही है जो इनमें अपारंपरिक सोच की सृजन करती है, जो इन्हें विषम परिस्थिति से जूझने की क्षमता प्रदान करती है। यही कारण है कि आज बिहार की सैकड़ों महिलाएं अपने घर परिवार के आर्थिक एवं पोषण सुरक्षा से उबरने के लिए सफलतापूर्वक मशरूम की खेती कर रही हैं। अगर हम मुंगेर, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल के विभिन्न जिलों के बारे में बात करें तो यहाँ 5000 से अधिक महिलाएं वर्तमान में मशरूम की खेती के साथ जुड़ी हुई हैं। इनमें कुछ ऐसी भी महिलाएं शामिल हैं जिनकी उद्यमी सोच ने ही इन्हें मशरूम की खेती के लिए प्रेरित किया है। यह भी जानने की जरूरत है कि अधिकांश महिलाएं जो वर्तमान में मशरूम की खेती से जुड़ी हुई हैं, उन्हें अपनी रोजमर्रे की जिंदगी में नित नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार एक दिन इन महिलाओं ने अपने बलबूते समस्याओं से निजात पाने की ठानी और शुरू कर दी मशरूम की खेती। लेकिन इन गृहिणियों के लिए इस अपारंपरिक सोच को मूर्त रूप देना भी इतना आसान नहीं था। इनके अंदर छिपी साहस और समस्याओं से उबरने की जिद ने ही इन्हें जिंदगी जीने की नई राह दिखा दी। आज ये महिलाएं अपनी मेहनत और लगन के बल पर सफलता की नित नई कहानी गढ़ रही हैं। मशरूम की सफल खेती ने महिलाओं के लिए न केवल सशक्तिकरण बल्कि पोषण सुरक्षा की राह को भी प्रशस्त किया है। इनकी सफलता में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर सहभागी रूप में अहम भूमिका निभा रहा है। स्थापना से अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा 3000 से अधिक महिलाओं को मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग कौशल विकास कार्यक्रम के तहत दिया गया है। अपने अधीन विभिन्न जिलों में कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से विश्वविद्यालय ने इन महिलाओं को सफल उद्यमी के रूप में विकसित करने के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान की हैं। विश्वविद्यालय द्वारा मशरूम की खेती के लिए स्पॉन सहित अन्य आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। कहते हैं कुछ अलग हटकर करने की जज्बा हो और उसके प्रति समर्पण का भाव हो तो प्रगति का मार्ग खुद बखुद प्रशस्त हो जाता है। इसे साबित कर दिखाया है भागलपुर जिले के सबौर गांव निवासी एक गृहिणी संगीता देवी ने। अपने पति और बच्चों के साथ खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही संगीता के ऊपर अचानक दुखों का पहाड़ सा गिर गया। समझ में नहीं आ रहा था कि घर परिवार चलाने के लिए क्या करें। दरअसल इनके पति सुनील कुमार साह स्टेशनरी का व्यवसाय किया करते थे। इनकी कमाई पर ही संगीता का घर परिवार चलता था। बच्चों का भरण पोषण और पढ़ाई लिखाई भी ठीक ढंग से हो रहा था। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना संकट काल में सभी स्कूल कॉलेज बंद हो जाने की वजह से इनके पति के व्यवसाय पर संकट के बादल मंडराने लगे और धीरे धीरे इनका व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गया। आर्थिक संकट से जूझ रहे अपने परिवार को उबारने के लिए संगीता के मन में कुछ अलग हटकर करने की चाहत उत्पन्न हुई। कहीं से इन्हें बिना खेत की खेती मशरूम उत्पादन करने का सुझाव मिला, लेकिन मशरूम उगाने की तकनीकी जानकारी ना होने के कारण इन्हें थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए संगीता कृषि विज्ञान केंद्र सबौर पहुंची और यहाँ के वैज्ञानिक से मशरूम की सभी छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की। सबसे पहले संगीता ने 10 टन कंपोस्ट तैयार करने के बाद उच्च कोटि की गुणवत्तापूर्ण मशरूम का उत्पादन शुरू कर दिया।
हालांकि शुरुआती दौर में मार्केटिंग में थोड़ी परेशानी हुई, पर पति द्वारा बिक्री से लेकर बाहर का काम संभालने के बाद कारोबार जोड़ पकड़ता गया। हमको शुरुआती में मशरूम ये सेल करने में जो है प्रॉब्लम आने लगी तो हम के अनिता मैम से मिले, तो अनिता मैम हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है जोड़ी हमको, जो कि जितना मेरा माल होता था मशरूम होता था उसमें हम लिख देते व्हाट्सएप कर देते थे कि इतना मेरे पास जो है माल मतलब है ये मशरूम है मेरे पास, मतलब जिनको ज़रूरत होता था फिर व्हाट्सएप के जरिए या कॉलिंग के जरिए जो है फिर हमको कह देता था कि जितना हमको चाहिए तो उसको उसी तरह हम लोग रेडी करके जो है दे देते हैं। आज संगीता प्रतिदिन 50 किलो मशरूम उत्पादन कर बिहार के अलावा झारखंड के जिलों में भी मशरूम की आपूर्ति कर रही हैं। अपने सपनों को साकार करने का जज्बा और समर्पण की वजह से ही आज संगीता एक सफल उद्यमी के तौर पर निखर रही हैं। आज संगीता आर्थिक संकट को दरकिनार कर खुशहाल जीवन जी रही हैं। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड स्थित खनकिता गांव निवासी स्वर्ण संध्या भारती इसकी एक ज्वलंत मिसाल है। स्वर्ण संध्या जो एक सफल मशरूम उत्पादक है, इन्होंने अपने धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर जीवन के बाधाओं को दूर करने में सफलता प्राप्त की है। मूलतः घर परिवार की देखरेख करने वाली स्वर्ण संध्या भारती ने मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी सफलता में कृषि विज्ञान केंद्र सबौर ने एक महती भूमिका निभाई है। इन्होंने किसी के सलाह पर कम पूंजी वाला कारोबार यानी कि मशरूम की खेती शुरू कर दी। 2 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आज स्वर्ण संध्या प्रति माह 25 से 30 हजार रुपए कमा रही हैं और सुखद जीवन जी रही हैं। इतना ही नहीं, ये अपने कारोबार के साथ 2 दर्जन महिलाओं को जोड़कर उन्हें रोजगार भी मुहैया करा रही हैं। ट्रेनिंग में रहते हुए भी मैं बैग लगाना स्टार्ट कर दिए, उसमें हमको बहुत फायदा हुआ, मतलब जितना लगा है हमको लगता है कि पहला वर्ष जो हम किए ट्रेनिंग में रहते हुए 50 से 60 हजार रुपया हम कमाए पहला साल। उसके बाद दूसरा साल में बैग लगाए तो दूसरा साल में 85 से 90 हजार रुपया कमाए। तो पहले तो हस्बैंड हम लोग को मदद नहीं करते थे, कोई मदद नहीं करते थे, अपना काम है करो नहीं करो। जब हम पैसा कमाने लगे, मेरे पैकेट में पैसा आने लगे तो वो लोग हमसे मांगने लगे ये काम में दो, तो हम देने लगे, तब मतलब कि वो लोग मदद करने। अगर अप्रैल मई तक खेती करेंगे तो 2 लाख रुपया कमा लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है, तब फिर गर्मा मशरूम फिर लगाएंगे। तो इससे मेरा होता है कि मेरा बेटा भी पढ़ लेगा और घर की आर्थिक स्थिति भी मेरा भी बहुत ठीक हो गया है। इसी कड़ी में बांका जिले की झिरवा गांव निवासी विनीता कुमारी ने भी मशरूम की सफल खेती कर जिले में अपना अलग पहचान बनाया है। पहले जीवन में आई मुसीबतों से विनीता को रोज जूझना पड़ रहा था, रोजमर्रे की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन विषम परिस्थितियों में भी विनीता कभी विचलित नहीं हुई। समस्याओं से निजात पाने के लिए उन्होंने कई कामों में हाथ बटाया है, पर आशातीत सफलता नहीं मिलने पर थोड़ी निराशा भी मिली है इन्हें। एक दिन विनीता को जानकारी मिली कि बांका के कृषि विज्ञान केंद्र में मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग दी जा रही है। उम्मीदों से भरी विनीता मशरूम का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए केवीके बांका पहुंची। वहां उन्होंने वर्ष 2012 में इसकी पूरी तन्मयता से प्रशिक्षण प्राप्त की, फिर शुरू कर दी मशरूम की खेती। हालांकि शुरुआती दौर में इन्हें भी थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र का समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा, तब जाकर विनीता के लिए मशरूम की खेती मुनाफे का कारोबार बन गया।
बाजार में मांग बढ़ने के बाद विनीता अपने कारोबार को और बढ़ाने लगी। इस क्रम में उनके सामने मशरूम बीज की समस्या आने लगी। बांका में बीज उपलब्ध नहीं होने के कारण विनीता ने पुनः केवीके से संपर्क साधा। वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आज विनीता मशरूम उत्पादन के साथ साथ अब अपने घर में ही उसका बीज खुद तैयार कर रही है। आज विनीता बांका जिले की मशरूम उत्पादक महिलाओं को भी सस्ती दर पर स्पॉन यानी कि मशरूम बीज मुहैया करा रही है। मशरूम लेडी नालंदा जिले के चंडीपुर प्रखंड स्थित अनंतपुर गांव निवासी अनीता देवी की सफलता की कहानी उनके जज्बे और काम के प्रति समर्पण का पर्याय है। मशरूम उत्पादन के साथ विनीता ने हरनौत कृषि विज्ञान केंद्र से एक माह का ट्रेनिंग प्राप्त कर छोटे पैमाने पर ही सही अपने घर में स्पॉन यानी मशरूम बीज उत्पादन का भी काम शुरू किया। पड़ोसी जिले की महिलाओं द्वारा बीज का डिमांड किए जाने पर अनीता को लगा कि बीज उत्पादन का कारोबार और बढ़ाने की जरूरत है। संघर्षों की राह पर कदम ताल कर रही गृह विज्ञान में स्नातक पास अनीता ने 90% अनुदान पर मशरूम स्पॉन उत्पादन यूनिट लगाई और शुरू कर दी बीज उत्पादन का काम। और आज मशरूम एवं उसके बीज उत्पादन के कारोबार में उत्कृष्ट सफलता हासिल कर बेहतर जीवन जी रही हैं। अनीता को मशरूम की उन्नत खेती के लिए अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। सफलतापूर्वक मशरूम की खेती करने वाली महिलाओं ने आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इसके मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार करने में भी पारंगत हासिल की है। उन्होंने इस कार्य में अपने साथ और भी महिलाओं को जोड़ा है। एक अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में विभिन्न जिलों में लगभग 200 से अधिक महिलाएं मशरूम के मूल्य संवर्धन उत्पाद जैसे बड़ी, अचार, आटा, नमकीन, बिस्किट और सुखौता सहित अन्य सामग्रियां तैयार करने में जुड़ी हुई हैं। मशरूम उत्पाद एवं मूल्य संवर्धन का कार्य इस आशय को ध्यान रखते हुए किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर मशरूम उत्पादन ने सामाजिक स्तर पर पोषण सुरक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। पड़ोसी राज्यों में बढ़ते मशरूम की मांग ने इस क्षेत्र में मशरूम सहित इसके मूल्य संवर्धित उत्पाद की संभावनाओं को और बढ़ा दिया। राज्य के विभिन्न जिलों में मशरूम उत्पादन का कार्य अब तेजी से कुटीर उद्योग का रूप ले रहा है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, जिसके बल पर नारी स्वावलंबी बन सशक्त बनने की दिशा में अग्रसर है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने स्कूली बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की पोषण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील मशरूम के उपयोग के लिए उत्पादक एवं आंगनबाड़ी केंद्र के प्रबंध समितियों को जोड़ा है। इस कड़ी में विश्वविद्यालय ने अपनी क्यारी अपनी थाली नामक एक कार्यक्रम की परिकल्पना की, जो कुछ जिलों में प्रयोग के तौर पर चलाया गया। इसके बेहतर परिणाम को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों में चलाने का निश्चय किया है। राज्य के नालंदा सहित अन्य जिलों में मशरूम का बेहतर उत्पादन होने से यह भी फायदा हुआ है कि यहां संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे नौनिहालों के मिड डे मील में मशरूम युक्त लजीज भोजन परोसे जा रहे हैं। इससे केंद्र के बच्चों में जो कुपोषण बढ़ने की शिकायत मिल रही थी, उसके स्तर में भी सुधार का परिणाम सामने आया है। गर्भवती महिलाओं को भी टेक होम राशन में मशरूम मुहैया कराया जा रहा है, ताकि वे भी खून की कमी से होने वाली एनीमिया जैसी बीमारियों से बच सकें।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय के सफलतम प्रयास से अब राज्य के सैकड़ों महिलाएं मशरूम उत्पादन को नया आयाम दे रही हैं। यह कारोबार अब घर घर में कुटीर उद्योग का रूप ले रहा है। इसकी कमाई से महिलाएं अब अपने परिवार को उन्नत जीवन स्तर देने में भी सफल हो रही हैं। इसका एक सशक्त मिसाल मशरूम लेडी के नाम से विख्यात मुंगेर की वीणा देवी भी हैं। मशरूम उत्पादन में बेहतर प्रदर्शन पर इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। अपनी समस्याओं से उबरने के लिए जीवन में कुछ अलग हटकर काम करने वाली ऐसी मेहनतकश महिलाओं पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय को गर्व है।